गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्लास सिक्स्थ सोशल साइंस. यस्टरडे वी हैव लर्न, हमारे पिछले ऑनलाइन और वेबिनार में, ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोब. ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब कहीं ना कहीं एक मॉडल है, छोटा रूप है अर्थ का. हम उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल देख सकते हैं, इक्वेटर देख सकते हैं, लॉन्जिट्यूडनल लेटिट्यूडनल देख सकते हैं, इसी के साथ साथ कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं. हम देख सकते हैं पानी कितनी जगह है ना, फॉरेस्ट कहाँ पर है और मरुस्थल कहाँ है, डेजर्ट है. लेकिन कुछ कमियाँ देखी हमने. हम पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं दे सकते हैं. बड़ी कंट्रीज को इसके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी स्टेट्स हैं, वो नहीं देख सकते हैं. तो काफ़ी कुछ ले नहीं जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, बिकॉज इट्स वेरी हैवी, बिग एंड हैवी. सो कुछ खामियां या कमियां थी. फिर हमने वो कमियां दूर करी मैथ्स में. फिर हमने देखा मैथ क्या होता है. मैथ हमने कल पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर पेपर के ऊपर या कागज के ऊपर या कपड़े के ऊपर है ना, आप उसको बना सकते हैं कोई पर्टिकुलर प्लेस का. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स के प्रकार. सबसे पहला होता है जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है पॉलिटिकल मैप, PULITICAL, पॉलिटिकल मैप. आई वॉन्ट टू डिस्कस यू, बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बेटे बेटियों से. सोशल साइंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में. थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेके पढ़ें. जैसे आपके दिमाग में आया पॉलिटिकल मैप, मतलब कहीं ना कहीं वो मैप जो आपको कंट्रीज की बाउंड्री बताता है कि भारत कितने देशों से जुड़ा हुआ है. तो आपने कहा सर भारत वेस्ट में पाकिस्तान, राइट, फिर जरा अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, राइट, म्यांमार नीचे, श्रीलंका भले पानी में दूर है लेकिन श्रीलंका आइलैंड और मालदीव. तो आपके जो दिमाग में चल रहा है ना कि कौन सी कंट्रीज ये पॉलिटिकल कहलाता है. मैंने आपसे पूछा स्टेट, तो आपने कहा सर एक मिनट, स्टेट के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, पहले मुझे मैप बनाना पड़ेगा. आपने मैप बनाया इंडिया का और आपने बोला सर ये राजस्थान, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा. अपने आप आपको समझ में आया कि सर ये स्टेट में बनाता जा रहा हूँ या बनाते. तो वेन एवर वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल बाउंड्रीज और पॉलिटिकल मैप, मतलब हम बात कर रहे हैं स्टेट की, हम बात कर रहे हैं कैपिटल की, हम बात कर रहे हैं नेशनल बाउंड्री की, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की. बड़ा सिंपल, ये इंटरनेशनल बाउंड्री गुजरात और राजस्थान है ना, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर से पाकिस्तान की कुछ बाउंड्री जुड़ती है. तो आपने बोला सर ये इंटरनेशनल बाउंड्री. राजस्थान, अगर हम राजस्थान को ध्यान से देखना, ये राजस्थान, राजस्थान सबसे पहले जुड़ता है पंजाब से. फर्स्ट स्टेट कौन सी है, पंजाब. दूसरी स्टेट हरियाणा, तीसरी स्टेट यूपी, चौथी स्टेट मध्य प्रदेश और पांचवी स्टेट गुजरात, यानी और छठी इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान. यानी हम छह तरफ से घिरे हुए हैं. तो आपने जैसे कहा सर राजस्थान का मैप छह तरफ से घिरा हुआ, हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं. अब आप क्या बता सकते हैं, ये पाकिस्तान है ना, नॉर्थ में पंजाब, नॉर्थ और ईस्ट हरियाणा, एक्सट्रीमली ईस्ट यूपी, साउथ वेस्ट सर मध्य प्रदेश, एक्सट्रीमली वेस्ट गुजरात. तो अब हम आपने ये बीच में मार्क करा, क्या मार्क करा मैंने, आप बोलेंगे सर ये राजस्थान है, तो ये राजस्थान की कैपिटल जयपुर है ना, ये गुजरात में मैंने मार्क करा बीच में, क्या हुआ, आप बोलेंगे सर ये गुजरात है, तो ये गुजरात की कैपिटल गांधीनगर,
राइट, ये एमपी ये मैंने बीच में मार्क करा। आप बोलेंगे सर एमपी की कैपिटल मध्य प्रदेश यानी भोपाल। यानी जब हम बात करते हैं स्टेट की बाउंड्री की, नेशनल की बाउंड्री की, इंटरनेशनल बाउंड्री की और साइज की और कैपिटल की, तो हम कौन सा मैप यूज कर रहे हैं? पॉलिटिकल मैप। तो व्हाट इज पॉलिटिकल मैप? अ पॉलिटिकल मैप शोज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ स्टेट्स स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स लोकेशन इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन। अब आप ये राजस्थान है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? सर ये सीकर, ये झुंझुनू, ये चूरू, ये जयपुर, ये अजमेर, ये अलवर, ये धौलपुर, आप धीरे 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 सारे डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, व्हेनेवर टॉक अबाउट नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री कैपिटल स्टेट्स, इसका मतलब हम कौन सा मैप ले रहे हैं? पॉलिटिकल मैप। आफ्टर पॉलिटिकल मैप सेकंड आता है फिजिकल मैप। फिर कह रहा हूं ना, वर्ड इटसेल्फ हैज अ मीनिंग, एक जो वर्ड है वो खुद अपने आप में इसका मीनिंग रखता है। फिजिकल पी एच वाई एस आई सी ए एल फिजिकल मैप। अगर हम थोड़ा सा, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाता हूं, आपने इंग्लिश में देखा होगा, आप फिजिकली टच कर सकते हैं। मैंने बोला था ना दो प्रकार के नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, डस्टर आपने टच करा, हाँ सर लकड़ी का है, भारी है, रंग है। फिजिकली आई एम वेरी ऑनेस्ट, आप मेरी ऑनेस्टी को टच नहीं कर सकते हैं, फिजिकली आप टच नहीं, आप सिर्फ फील कर सकते हैं, हाँ सर यू आर ऑनेस्ट। तो सेम फिजिकल मैप, मतलब कहीं ना कहीं हम चीजों को टच करके बता सकते हैं या देख करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। तो फिजिकल मैप मीन्स अ मैप विच शोज ज्योग्राफिकल फीचर्स, अ मैप विच शोज ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स रेंजेस हिल्स, माउंटेन्स रेंजेस हिल्स पीक्स प्लेट्यू ओशियन रिवर लेक। सिंपल, तो फिजिकल जिसमें आप बता सकते हो। आप मैप लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मैप लेते हैं सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का, फिजिकल मैप बता रहा, मैंने कहा फिजिकल मैप बताइए, तो आप बोलेंगे सर सर ये है जम्मू एंड कश्मीर, राइट, ये पोर्शन है सर लद्दाख, ये जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर हिल्स एंड रेंजेस, हिल मतलब है ना माउंटेन, यहां पर एक काराकोरम, यहां लद्दाख, झस्कार, पीर पंजल, भवलागर, शिवालिक, जयंतिया, खार, खासी, गारो, मिजो, मिजोरम पहुंच गए ईस्ट में। तो मैंने सिर्फ नाम लिए, रेंज ये है काराकोरम, ये लद्दाख, झस्कार, पीर पंजल, धवलागर, शिवालिक, जयंतिया, खासी, गारो, मिजो, ये नाम है। तो आप पहचान सकते हैं कि सर किस मैप की बात कर रहे हैं? फिजिकल मैप की बात कर रहे हैं। फिर मैंने अगर बताया वर्ल्ड मैप पे जाता हूं, मैंने बताया बेटा ये नेपाल है, तो मैंने जैसे यहां पीक बने, आप बोलेंगे सर नेपाल है, तो ये माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे वर्ल्ड में, ये माउंट एवरेस्ट है, तो सर आप फिजिकल मैप की बात कर रहे हैं। तो जब मैं किसकी बात करूंगा? मैप के अंदर, इफ आई विल टॉक इन मैप मीन्स अ मैप शोज, मैप क्या दर्शाता है? रेंजेस, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, वैली, ओशियन इज नोन एज फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में बड़ा सिंपल, इंटरनेशनल बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री, स्टेट कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप। थर्ड थीमेटिक, बड़ा बढ़िया वर्ड है थीमेटिक, टी एच ई एम ए टी आई सी, टी एच ई एम ए टी आई सी थीमेटिक मैप। बेटा मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कभी खेलते खेलते भी एक दूसरे से बात करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। आप किसी से पूछेंगे पॉलिटिकल मैप तो तुरंत आप जवाब देंगे सर मैप विच शोज नेशनल बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री स्टेट कैपिटल। फिजिकल मैप जिसको हम टच कर सकते ना, तो मैप विच कैन शोज माउंटेन्स रेंजेस हिल्स रिवर ओशियन। ना थीमेटिक मैप, पर्टिकुलरली मैप विथ फीचर्स,
अब हम मैप के साथ कोई फीचर्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बोला ये हमारा गुजरात है और ये राजस्थान, राइट। मैंने यहां ब्राउन कलर कराया है तो आप समझ जाएंगे कि सर ये डेजर्टेड एरिया है। ब्राउन कलर शोज लैंड डेजर्टेड एरिया। तो थीमेटिक मैप, अब मैप विच शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट कितना है, डेजर्ट कितना है, ग्रीन लैंड कितनी है, प्लेन लैंड कितनी है ना, उपजाऊ भूमि कितनी है, अनुपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड कितनी है, अनफर्टाइल लैंड कितनी है, करेक्ट। सिंपल थीमेटिक विच शोज द फीचर्स, जो आपकी कंट्री के या आपकी स्टेट की फीचर्स बताता है। जैसे आपके यहाँ फॉरेस्ट कितना है, आपके यहाँ पर लैंड कितनी है, आपके यहाँ पानी कितना है। तो द मैप विच शोज फिजिकल थीमेटिक फीचर्स विथ सच टाइप ऑफ वेदर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, है ना, पीपल और मिनरल्स। आपने यहाँ कुछ ब्लॉक बनाए, ये ब्लॉक बताएंगे कि यहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं ना। जमीन खोदने के बाद यहाँ पर तांबा पाया जाता है, कॉपर, यहाँ पर जिंक पाया जाता है, यहाँ एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो इस टाइप का मैप जो आपके स्टेट को या कंट्री को फीचर्स बताता है ना, कि यहाँ लोग कितने रहते हैं, मिनरल्स कितने हैं, फॉरेस्ट कितना है, दैट इज नोन एज थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप शोज फीचर्स। फिर आता है फोर्थ, टूरिज्म मैप और टूरिस्ट मैप। अगर आप शब्द को जाएं, टूरिस्ट, बहुत बढ़िया, सर आप कहाँ गए थे, चलिए मैं घूमने गया था। कहाँ गए थे सर आप, मैं गया था जम्मू एंड कश्मीर। क्या देखा, अरे बहुत सुंदर टूरिस्ट प्लेस। देखिए टूरिस्ट प्लेसेस, वहाँ म्यूजियम बड़ा सुंदर है ना, वहाँ टेम्पल बड़ा सुंदर है, वहाँ ये बड़ा बढ़िया है ना, वो स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम और टूरिस्ट प्लेसेस जो शो करता है। अ मैप विच शोज, अ मैप विच शोज इम्पॉर्टेंट प्लेसेस और द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट लाइक म्यूजियम, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, सिटाडेल, एरिया, टेम्पल इज नोन एज टूरिस्ट मैप। आप किसी स्टेट का टूरिस्ट मैप देखते हैं, कंट्री का टूरिस्ट मैप देखते हैं, तो वो आपको ये शो करेगा कि आपको कहाँ घूमने जाना चाहिए, कौन से स्थान पर रुकना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए। आपने कहा सर राजस्थान का टूरिस्ट प्लेस सबसे बढ़िया है, राजस्थान का टूरिस्ट मैप, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सर देखने लायक क्या, जैसलमेर देखने लायक है, बाड़मेर देखने लायक, उदयपुर में क्या क्या देखने लायक, उदयपुर में उन्होंने कहा महाराणा प्रताप का किला देखने लायक है, या सहेलियों की बाड़ी देखने लायक है, या ये देखने लायक है। आप गए हिमाचल प्रदेश, है ना, उत्तराखंड, आप गए नैनीताल, आपने बोला सर वहाँ नौ ताल है वो देखने लायक है। सो जो प्लेसेस आर वेरी इंटरेस्ट टू सी लाइक म्यूजियम, सिटाडेल, फोर्ट, किला हो, छोटा किला हो, बड़ा किला हो, म्यूजियम हो, है ना, ये सारी चीजें कहलाती है टूरिस्ट। अगर ये आपका मैप शो करता है तो योर मैप इज नोन एज टूरिस्ट मैप। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी है लेकिन छोटा नहीं है ना, मैं बार बार ये वर्ड बोलता हूं, अपना लीस्ट वर्ड आया है ग्रेन, अ लीस्ट ग्रेन, है ना, छोटे सर मक्के का दाना, पर यहां पर छोटा नहीं है, लास्ट है बट इट इज नॉट लीस्ट। वेदर, डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, वेदर, वेदर मतलब मौसम, डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, वेदर। सिंपल, आप तो अब तो आप बता सकते हैं, बिना देखे आप बोलेंगे सर अ मैप विच शोज, अ मैप विच शोज वेदर ऑफ द कंट्री और वेदर ऑफ द स्टेट। या तो वो कंट्री का वेदर बताता है या स्टेट का वेदर बताता है, राइट। डिफरेंट फीचर्स ऑफ द वेदर, वो वेदर्स के फीचर बताता है कि इस महीने से इस महीने तक बारिश होती है, इस महीने से इस महीने तक गर्मी होती है, इस महीने से इस महीने तक ठंड। तो जो वेदर्स की फोरकास्टिंग होती है, पूर्वानुमान होता है, या जो वेदर का रिपोर्ट होती है, वो अगर हम मैप में लिखते हैं तो वेदर मैप शोज द मूवमेंट ऑफ वेदर सिस्टम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल कितनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो दो मैप बनाया, ये मैप राजस्थान का है, ओके, और ये मैप
मेघालय का है, दिस इज मेघालय में, दिस इज राजस्थान में। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, इट वुड बी इजियर टू यू टू सी। अगर आप देखेंगे तो ये जो मैप है, इन दिस मैप आई एम शोइंग रेनफॉल, आई एम शोइंग रेनफॉल। तो मैंने यहाँ पे सीधे रेनफॉल की छीटे टाइप डाल दिए और लिख दिया अप टू 75 सेंटीमीटर, अप टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। मतलब राजस्थान में एक साल में 75 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है और कहीं कहीं 60 होती होगी, कहीं कहीं 45 होती होगी, कहीं 75। एवरेज अगर आप देखें तो 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। अब मैं मेघालय में देखूंगा, यू विल सरप्राइज, आपको आश्चर्य होगा, मेघालय में पूरे साल में रेनफॉल है मोर देन 300 सेंटीमीटर। एक साल में 300 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी गिरता है, मतलब हमसे लगभग चार गुना, हमसे लगभग चार गुना। तो हाउ आई हैव शोन, मैंने कैसे आपको दर्शाया, विद द हेल्प ऑफ वेदर मैप। आप वेदर मैप से बता सकते, तो द मैप विच शोज द फोरकास्टिंग ऑफ वेदर और इंफॉर्मेशन ऑफ वेदर लाइक रेनफॉल, ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी, कोल्ड, हीट, समर, दैट टाइप ऑफ नोन एज मैप, नोन एज वेदर मैप्स। तो फिर बोल रहा हूं, अब मैं जैसे ही गिनता जाऊंगा आपके दिमाग में तुरंत आएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फाइव टाइप्स ऑफ मैप, फर्स्ट इज पॉलिटिकल मैप विच शोज नेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट, कैपिटल। फिजिकल इन टच, सो इट शोज रेंजेस, माउंटेन, ओशन, रिवर। थीमेटिक, आफ्टर थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप विच शोज फीचर्स, वेयर इज डेजर्ट, वेयर इज इंडस्ट्रियल एरिया, वेयर इज पॉपुलेशन, वेयर इज माइनिंग, है ना, फीचर्स बताए। देन फोर्थ वन, टूरिस्ट विच शोज द इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेस, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स। फिफ्थ वन, वेदर विच शोज द वेदर, रेनफॉल, समर, कोल्ड, दिस इज कॉल्ड। सो फाइव टाइप्स ऑफ मैप्स आर। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन विल स्टार्ट विथ एटलस। एटलस यू कैन से इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज। मैं जब भी एटलस की बात करूंगा तो आपके दिमाग में आएगा एटलस में सारी कंट्रीज आ गई। अब जब सारी कंट्रीज आ गई तो ओशन भी आ गए, सारे ओशन आ गए तो मॉन्यूमेंट्स भी आ गए, मॉन्यूमेंट्स भी आ गए, हिल रेंजेस भी आ गया, फॉरेस्ट भी आ गया। एटलस का मीन्स अगर हम कहते ना कंपाइल द होल वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, पूरा एक वर्ल्ड आपके आंखों के सामने आ जाएगा एटलस। ओनली इंडियन मैप इज डिफरेंट, बट एटलस में आप बोलेंगे सर सब कुछ दिया हुआ है। सो एटलस इज ए कलेक्शन ऑफ मैप। व्हाट इज एटलस? एटलस इज ए कलेक्शन ऑफ मैप्स यूजुअली बाउंड टुगेदर, जुड़ा हुआ रहता है, बाउंड टुगेदर एज ए बुक, एक बुक की तरह होता है। उसमें आप पलटते जाएं आपको अलग अलग सारे मिल, ये इंडिया, इंडिया में भी ये नॉर्थ का है, नॉर्थ में भी सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, फिर उसके बाद हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इससे करते ही करते आप इंडिया के आएंगे। फिर इंडिया का थीमेटिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, इंडिया का टूरिस्ट मैप, इंडिया का वेदर मैप। अब आपके नजर में आता जा रहा होगा एटलस में क्या क्या दिया होगा। एटलस में पांचों प्रकार के मैप हर कंट्री के दिए हुए, हर कॉन्टिनेंट से दिए हुए। तो दिस इज द एटलस। नाउ द नेक्स्ट एटलस पार्ट विल स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू।